नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 14 सीटों पर नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की तरफ से जारी हुए क्लैट 2025 नोटिफिकेशन की, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से यूपी में 2500 से ज्यादा निकली भर्तियों की, और अंत में बात करेंगे हिलसा मछली की जो गंगा यमुना में जलस्तर घटने के कारण हो रही है विलुप्त। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 14 सीटों और लखनऊ पूर्व विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए कुल 296 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 4 मई को नामांकन पत्रों की जाँच में 149 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। 6 मई को नाम वापसी के दिन 3 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली। अब पांचवें चरण में 144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। इसी तरह लखनऊ पूर्व विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। नामांकन पत्रों की जांच में 2 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए। अब कुल 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने क्लैट 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इसके जरिए भारत के टॉप लॉ कॉलेजों, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में LLB, LLM जैसे कोर्स में एडमिशन मिलता है। बता दें कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 रविवार 1 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। एग्जाम का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कंसोर्टियम जुलाई 2024 के पहले सप्ताह में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन करेगा। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यूपी जल निगम, ग्रामीण राजकीय निर्माण निगम, यूपी राज्य सेतु निगम और यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 7 मई से शुरू हो चुके हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून 2024 है। सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा करने वालों के लिए नौकरी का ये शानदार मौका है। यूपी में डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के डेटा एनालिसिस को लेकर एक मजबूत वर्कफोर्स तैयार होने जा रहा है। इसी मकसद से IIIT लखनऊ में देश की पहली क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्वेटरी यानी CRO स्थापित की गई है। यहां अचानक से होने वाले क्लाइमेट चेंज और उसके असर पर AI के जरिए एनालिसिस और प्रेडिक्शन हो सकेगा। दावा किया जा रहा है इसके जरिए IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर और सटीक क्लाइमेट प्रेडिक्शन दिया जा सकेगा। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट होने के मामले की जांच शुरू करने के बाद ईडी की नजरें अब RO AR पेपर लीक मामले पर भी हैं। दरअसल दोनों परीक्षाओं का पेपर आउट कराने में प्रयागराज निवासी राजीव नयन मिश्रा शामिल था, जिसके गिरोह के बाकी सदस्य ने RO AR परीक्षा का पेपर लीक कराया था। मिली जानकारी के अनुसार ईडी जल्द ही RO AR परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले की जांच भी शुरू कर सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले गिरोहों के खिलाफ ईडी लखनऊ ने पहली बार जांच करने का फैसला लिया है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह के संबंध कई प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों तक से होने की पुष्टि हो चुकी है। वाराणसी में बिना मान्यता के संचालित हो रहे 3 विद्यालयों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। साथ ही विद्यालय बंद रखने के आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया है। ये तीनों विद्यालय बीते दिनों बंद कराए जाने के बाद भी खुले पाए गए थे। जिले में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों के खिलाफ अभियान में पिछले दिनों जिले के 37 विद्यालय बंद कराए गए थे। ये कार्रवाई खंड शिक्षा अधिकारियों ने की थी। साथ ही निर्देश दिया था कि इसके बाद भी स्कूल खुले मिलने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। ये जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया जाएगा। चौथे चरण के मतदान से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के भाई प्रमोद जायसवाल आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रमोद जायसवाल ने घाटमपुर के पतारा में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। बता दें कि 1998 के बाद पहली बार श्री प्रकाश जायसवाल चुनाव मैदान में नहीं है। प्रमोद जायसवाल भी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जायसवाल के नहीं रहने से कांग्रेस को खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
डिप्टी एसपी रतन कुमार यादव को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रदेश सरकार के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने डिप्टी एसपी को 3 सप्ताह के भीतर सेवा में वापस लेने और उसके सभी बकाया वेतन और भत्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। रतन कुमार यादव की ओर से दायर की गई याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करते समय याचिका व्यक्तिगत सर्विस रिकॉर्ड नहीं देखा गया था। कोर्ट ने 7 नवंबर 2019 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द करते हुए याचिका को 3 सप्ताह के भीतर सेवा में पुनः ज्वाइन करने और 6 सप्ताह के भीतर उसके सभी बकाया वेतन व भत्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के 21 स्टूडेंट्स का चयन PSY में हुआ है। कंपनी में पहले इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाएगा, इसके बाद जॉब ऑफर किया जाएगा। इस दौरान छात्रों को बेहतरीन पैकेज के साथ यूपी के कई लोकेशंस पर नौकरी का मौका दिया जाएगा। PSY कंपनी को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कॉपीराइट अनुमोदन प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय ने इस सत्र में रिकॉर्ड तोड़ प्लेसमेंट का दावा किया है। सभी चयनित छात्रों को ज्वाइन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शुरुआती जॉब ऑफर 50,000 प्रतिमा तक का है। इसमें प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाला इंसेंटिव भी शामिल है। मछलियों का राजा कही जाने वाली हिल्सा अब गंगा व यमुना से विलुप्त हो गई है। बीते 1.5 दशक से दोनों नदियों में इनके नहीं दिखने पर केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र यानी कि सिफरी की टीम ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर स्थित अपने मुख्यालय के जरिए इनके बच्चे गंगा में छोड़े हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हिल्सा मूलतः समुद्री मछली है। इसे बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली का दर्जा प्राप्त है। ये मछलियां बारिश के मौसम में प्रजनन करने के लिए समुद्र से गंगा व यमुना के मीठे पानी में अंडे देने के बाद फिर समुद्र में लौट जाती हैं। नदियों की सैर करते हुए ये मछलियां प्रयागराज, कानपुर और आगरा तक पहुंच जाती हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।